हाय नमस्कार, और फिर से वेरी सॉरी कि मैं अब आप लोगों के लिए उतने वीडियो नहीं बना पा रहा। जो मैं आपको शुरू से कहता था कि समय आता है तो मैं बिजी हो जाता हूँ, और जो हमारे क्लाइंट की ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है उनको मैं रिकॉर्ड करके देता रहता हूँ, जो भी उनके लिए काम की जानकारियाँ होती हैं। सो आज 30 सितंबर की सुबह है, तकरीबन हर जगह का राउंड 2 ख़त्म हो गया है सिवाय तेलंगाना और बिहार। तो बिहार का राउंड 1 फिर भी हो गया, तेलंगाना आई थिंक सबसे स्लो चल रहा है, जिसका आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुआ है फॉर राउंड 1। बहुत पॉपुलर ऑप्शन थी तेलंगाना 3 साल पहले तक, हैदराबाद का अपोलो बहुत अच्छा ऑप्शन था, लेकिन अभी भी है, बट बेसिकली मुश्किल से 10% सीट्स रह गई हैं ऑल इंडिया, 90% सीट्स हो गई हैं तेलंगाना के बच्चों के लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग अब प्रेफर नहीं करते। पहले जब ये नहीं था और कर्नाटका की तरह 40% ऑल इंडिया कोटा था, तो काफ़ी बच्चे नॉर्थ के भी तेलंगाना या हैदराबाद जाया करते थे। तो जैसा कि वीडियो का टाइटल था, मोटा मोटी समरी, हर जगह राउंड 2 ख़त्म हो गया है। MCC में जो लास्ट ईयर तक होता था कि जस्ट क्वालिफाइड बच्चे को भी सीट मिलती थी, इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, तो 128 नंबर पे सीट अब MCC में नहीं मिल पा रही है अगर आप बिना NRI के हैं। और जो मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ इंडिया, शायद जब काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी मैंने आपको 250 मार्क्स बोला था, बट एज ऑफ नाउ ब्रॉडली स्पीकिंग आई थिंक 300 नंबर से कम कहीं पर भी सीट नहीं मिली है जनरल कैटेगरी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड 302 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है गौतम बुद्ध, UP आई थिंक लोएस्ट टिल नाउ हैज़ बीन FH आगरा, जो उसी रेंज में है 300 नंबर हेयर एंड देयर। हरियाणा तो झज्जर, पानीपत भी सब ऊपर है, अलफला 315-320 था, फिर से जो वही मैं कह रहा हूँ कि मोस्टली जो फ़िलहाल नॉर्थ इंडिया है वो 300 के ऊपर चला है। इवन जो महंगे कॉलेज थे, मतलब फॉरगेट अबाउट लो कॉस्ट, इवन जो 1.1 करोड़ खर्च कराता है, 1.15 कर रहा था, मैं इन 5 स्टेट की फ़िलहाल बात कर रहा हूँ, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली को हम गिनते नहीं है, हरियाणा, UP, उत्तराखंड, पांचों में कहीं पर भी 300 नंबर से कम फ़िलहाल जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को सीट नहीं मिली किसी भी बजट में। तो चाहे आपने तीर्थांकर, महावीर, ईरा या इंटीग्रल भी ट्राई करा, और यही एक पहली जनरल कैटेगरी में कह रहा हूँ, अदर दैन दी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो कि अल्फला या FH करियर में फिट होते थे, तो शायद 250 का भी 300 हो गया है। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या करें बच्चे, मोस्टली बच्चे एटलीस्ट जो हमारे भी थे सेटल हो गए, अदर देन वही बच्चे जैसा मैंने कहा जो 310-315 के आसपास थे और UP का बजट लेके चल रहे थे, या 250-270-280 रेंज के जो हम मान के चलते हैं खाली हैं। सो देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन नॉर्थ, मुझे लगता है कि जो बच्चे कुछ सीटें आएंगी, कुछ सीटें सोलन में आएंगी, कुछ सीटें हरियाणा में आएंगी, और चूंकि मेरे भी काफ़ी बच्चे हैं जिनको 3-3 अलॉटमेंट हुई हैं राउंड 2 में, हम कोशिश करते हैं डिपॉजिट बचाने की, लेकिन जैसा मैंने कहा कि राउंड 2 में जो स्टेट्स भरता है वो वही होता है कि भाई अब डर लगता है। तो अक्सर अपने बच्चे ऐसे हैं, अल्फला भी मिला, इंटीग्रल भी मिला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बंगाल का भी मिला, बट चलो उसको फ़िलहाल हम नहीं काउंट कर रहे थे। तो उसे सीट्स राउंड 3 में आती हैं, और मैं ये समझाना चाहता हूँ कहाँ से आती हैं, जहाँ पर ये मल्टीपल बच्चों ने राउंड 2 में अलॉटमेंट ली है, जहाँ NRI सीट्स हैं वो कन्वर्ट होती हैं। तो मुलाना में भी शायद अभी 15 के ऊपर सीट्स हैं जो कन्वर्ट होंगी, ग्राफिक ईरा में 15 के करीब सीट्स हैं जो कन्वर्ट होकर नॉर्मल सीट बन जाएगी राउंड 3 में, अगर NRI बच्चों ने अप्लाई नहीं करा। तो राउंड 3 में भी सबसे बड़ा हथियार चाहे MCC हो, चाहे स्टेट्स हो, NRI सीट्स हैं, जिसके पास फर्स्ट ब्लड NRI है या फिर गार्जियन NRI है, तो बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश की कुछ सीटें, इन 3 में ही आपका गार्जियन NRI चलेगा, और कर्नाटका में चल जाएगा अगर उन्होंने ऑप्शन दी फ्रेश रजिस्ट्रेशन की। तो मैं हमेशा कहता हूँ क्यू कोटा के बदले NRI पर ज़्यादा ध्यान कीजिए, और हमारे काफ़ी बच्चों को हमने राउंड 1 में ही दिलवा दिया था कर्नाटका बिकॉज ऑफ NRI पेपर्स। फर्स्ट ब्लड आपके पास है तो MCC में सबसे ज़्यादा चांस है, अभी तो जैसे मैंने कहा मुलाना में सीट्स खाली पक्का हैं, मिल जाएंगी आपको। फर्स्ट ब्लड NRI है तो राजस्थान की सरकारी आपके लिए बहुत अवेलेबल होंगी, 1.40 का बजट बैठता है हॉस्टल मिला के, तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसा मैंने कहा ब्रॉडली तो NRI चलेगा जो अक्रॉस इंडिया, बिहार में हो सकता है कि नॉर्मल सीट भी आपको 300 मार्क्स पे, 270-280 पे मिल सकती है, तो बिहार से आप उम्मीद लगा के रह सकते हैं। बंगाल में आपको मिल सकती है 250 अगेन प्लस में, नॉर्मल सीट जिसको मैं कहूँ तो। इसके अलावा राजस्थान अब शुरू होगा, और राजस्थान में हम जानते हैं कि फीसेस आर वेरी एक्सपेंसिव, कुछ कॉलेजेस के बजट जो मैनेजमेंट सीट्स होंगी 140 जाता है, और चूंकि 140 जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी आराम से अगर आप 180-190 प्लस हैं तो आप
राजस्थान में भी 140 का बजट लेके चलेंगे तो आपको सीट मिल सकती है। ध्यान ये रखना है, जो मैं बाबर आपसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, बंगाल और राजस्थान ये दो स्टेट हैं जहाँ पर ऑफिशियली बैंक गारंटी अभी भी चलती है। इन स्टेट्स के अंदर कुछ कॉलेज है जो छोड़ देते हैं, तो वो आप कॉलेज बाई कॉलेज चेक कर सकते हैं कौन सा कॉलेज है जो बैंक गारंटी माफ़ कर रहा है। मेजोरिटी कॉलेज बैंक गारंटी लेते हैं। तो बैंक गारंटी क्या होती है, बेसिकली ये भी समझा देता हूँ कि आपने फर्स्ट ईयर की फ़ीस दी, और मैं कई बार बोलता हूँ, थोड़ी रफ लैंग्वेज ये बोलता हूँ, MBBS प्राइवेट स्पेशली इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव कोर्स। तो जो कॉलेजेस हैं, जो कॉलेज के मालिक हैं, उनको अपनी फ़ीस चाहिए चाहिए। देखिए, आप कोई भाई होंगे, फ्रेंड्स होंगे, सिस्टर्स होंगी, जिन्होंने कहीं BTech में एडमिशन लिया, BBA में लिया, एक साल बाद पढ़ाई छोड़ दी, कोई फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। 1.5-2 लाख की फ़ीस होती है। ओनर्स आर हैबिचुअल टू एक्सेप्ट दैट लॉस। और ये समझिए, जो भी प्राइवेट कॉलेज चला रहा है उसके लिए तो स्टूडेंट एक कस्टमर है ना। सरकारी के लिए आप एक प्योर स्टूडेंट हो, क्योंकि आपके पैसे तो सरकार देती है पढ़ने के लिए। तो भाई MBBS में जहाँ 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख की सीट है, एक साल बाद किसी भी वजह से बच्चा पढ़ाई छोड़ता है, 2 साल बाद छोड़ता है, पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते, बच्चे का मूड चेंज हो गया, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। और मैं बहुत एक्सट्रीम हमेशा डायलॉग बोलता हूँ कि बच्चे के साथ ही कुछ एक्सट्रीम हो जाए, इन दैट केस ऑल्सो कॉलेजेस वॉन्ट देयर फीस, क्योंकि फीस इज़ वेरी एक्सपेंसिव ना। 80-90 लाख का नुकसान कॉलेज क्यों करेगा? तो बाकी लोग तो हिंदुस्तान में बॉन्ड भरवा लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो लीगल पेपर, बट ये दो स्टेट्स हैं जो बिल्कुल सेफ लेके चलते हैं बैंक गारंटी बनवा के। इसका मतलब ये होता है कि आप पैसा नहीं दोगे तो बैंक देगा। तो बैंक आपके लिए बैंक गारंटी क्यों बनाएगा? अक्सर आप या तो आपके पास उतने ही FDs वगैरह बैंक में पड़ी हो, या आप एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट बैंक गारंटी निकलवाइए तो आपसे प्रॉपर्टी के पेपर रखवा लेंगे। जैसे आपको आप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं तो वैसे ही आप बैंक गारंटी अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले सकते हैं, पर वो प्रोसेस 10-12 दिन का होगा। FD का प्रोसेस 2-3 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप बैंक गारंटी वाला रूट अपनाना चाह रहे हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि अभी से ना होमवर्क करके रखिए, ताकि बैंक को बोल के रखिए कि जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा आप पेपर पर बना के रखिए, मैं आपको कॉलेज का नाम बताऊंगा, बैंक गारंटी में कॉलेज का नाम डालना, मुझे एक दिन में शो कर देना। क्योंकि बहुत बंगाल और राजस्थान मुश्किल से आपको 3 दिन का समय देते हैं अलॉटमेंट के बाद ज्वाइन करने का विद बैंक गारंटी। बैंक गारंटी आपके पास है तो कोई पहले बात करने की जरूरत नहीं है, ना एजेंट के थ्रू ना डायरेक्ट, कोई कॉलेज आपको रिपोर्टिंग के लिए नहीं रोक सकता अगर आपके पास बैंक गारंटी है तो। ये भी मेरी एक तसल्ली लेके रखिए आप हमेशा, ठीक है? तो वो आपके पास रास्ते, अगर आप बैंक गारंटी बनवा सकते हैं तो अभी समय है। स्टेट्स राउंड 3 मोटा मोटी आपके पास अभी 8-10 दिन का समय है। आज मंडे है, अपने बैंक से संपर्क करके अपनी बैंक गारंटियाँ मजबूत कर लीजिए। उसकी कोई डिटेल हेल्प चाहिए तो यू कैन टेक अवर पेड कॉल्स जो हम 5,000 रुपये में ऑफर कर रहे हैं। प्योर पूरी काउंसलिंग चाहिए ये सब सीट्स लेने के लिए तो आपको हमारे पैकेजेस मालूम ही हैं। अब 30,000 वाली बात तो रह नहीं गई है, तो या 50,000 का लोग हमारा पैकेज लेके पूरी सलाह ले रहे हैं, या 1.5 लाख वाला हमने 1 लाख का कर दिया है जिसको NRI या मैनेजमेंट सीट में हेल्प चाहिए। ओके, तो बस अब 2 ही पैकेज बचे हैं, 50,000 और 1 लाख। और छोटी मोटी कॉल्स आपको चाहिए तो आप 5,000 की कॉल ले सकते हैं, 2,500 की अब हम कॉल नहीं दे रहे हैं। नंबर आप हमारा जानते ही हैं, 9643362320, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। और बैंक गारंटी आपके हाथ में होगी तो मैं रिपीट करता हूँ, फिर आपको कोई डील करने की, पहले बात करने की ज़रूरत नहीं है, इशारा आप समझ गए। ओके, अक्सर वो लोग आपसे बैंक गारंटी छोड़ने के नाम करी, कोई कॉलेज कहता है मुझे डबल फीस दे दो, 2 साल की फ़ीस दे दो, 2.5 साल की दे दो, कोई कहता है पूरी दो, कोई आपसे ऊपर से कैश लेता है, वो सब होता है कि बैंक गारंटी के एवज में इन्हीं 2 स्टेट्स में। और आपके पास बैंक गारंटी है तो आपको किसी से डरने की, जैसे माला रेड्डी ने 1 साल की मांग ली, आपको पता ही होगा जो MCC में आया था, और माला रेड्डी की NRI सीट्स भी अवेलेबल होने वाली हैं 3rd राउंड में, जो NRI फर्स्ट ब्लड के पेपर जिसके पास हैं तो। ओके, सो बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक नाउ द लास्ट 1 मंथ, 1 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मोटा मोटी हिंदुस्तान में 80% बच्चे सेटल हो चुके होंगे। अब जो बच्चे होते हैं वो जो बची सीट होती है, जो अभी भी बहुत होती है, आई थिंक अक्रॉस इंडिया 10% सीट्स अवेलेबल अभी भी रहती हैं, और उसी में बाकी बच्चों को एडमिशन मिलता है। जिसके पास बजट है उसको कभी भी एडमिशन की दिक्कत नहीं होती, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट विशेज फॉर ऑल ऑफ यू। आपके लिए अगला एक महीना बहुत अच्छा रहे, फेस्टिवल्स भी स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन के बाद, जब पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और दिवाली तक प्रैक्टिकली एक महीना चलेगा। ऑस्पिशियस डेज, एंड आई रियली विश आप सबको इन ऑस्पिशियस डेज पे आपके मन की सीट मिले। जस्ट टू टेल यू, मेरा बर्थडे भी 2 अक्टूबर को होता है, तो आई एम ऑल्सो ब्लेस्ड टू बी बॉर्न ऑन ए ऑस्पिशियस डे ऑफ गांधी जयंती एज वेल एज लाल बहादुर शास्त्री जी जयंती, और इसलिए 2 अक्टूबर को भी हमारी अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। ओके, लुकिंग एट एवरीथिंग,
आई हैव केप्ट दैट डे फ्री फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली फॉर अ डे आउटिंग. ओके, सो दो टूबर को हम अवेलेबल नहीं होंगे. बाय बाय, टेक केयर फॉर न्यू पीपल. ओके, बाय बाय.